बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, थोड़े से अलग कस्टर्ड वाले शाही टुकड़े बना रहे हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिए, उसमें हमें दो अदद दो मग भर के डाल दूँ मिल के, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए जी, ये दो मग भर कर मैंने डाल दिए हैं मिल्क, ठीक है। और अब इसके बाद मैं दो दाने इलायची के डाल दूंगी, पिसी हुई इलायची है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर पिसी हुई नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो भी है आप डाल दें। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ा सा। हम यहाँ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ये एक अदद बड़ा मा के उसको हाफ कप मैंने मिल्क लिए, उसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालिए, कोई से भी कस्टर्ड पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। ये डालने के बाद मैं इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ मैं डाल चुकी हूँ सारा ये कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने डाल लिया था, मिक्स कर लिया था अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए 5 to 6 मिनट। अब इसको धीमी आँच में पकता रहने देंगे इस कस्टर्ड को। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ शुगर, आप कोई से भी शुगर ऐड कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून 2 and 3 इनफ है। अगर आपको फिर भी अपने शुगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा मिठास पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, बस इतना ही गाढ़ा करना है, इसे ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा इसको नहीं करना। और इसके बाद हम अब तैयारी करते हैं ब्रेड काटने की और उसको फ्राई करने की। ये मैंने ब्रेड लिए और ब्रेड को मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, आप इससे भी छोटे काट सकते हैं अगर आपको इतने बड़े नहीं पसंद, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, दरमियाने साइज़ के, तो ये मैंने इस साइज़ में काट लिए हैं, ठीक है। और अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये लिए हमने पैन और इसमें डालेंगे ऑयल हस्बे ज़रूरत, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ऑन कर लिया था, ठीक है। इसको गर्म होने देंगे, गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ब्रेड डालेंगे और उसको गोल्डन कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन। ये हो गया गर्म, अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे अच्छे तरीके से, गोल्डन हो चुका है आई थिंक, ये देखिए ऐसा गोल्डन करना है डार्क अच्छा सा। अच्छा जी, यहाँ ले लिए एक ट्रे, कोई सा भी आप ले सकते हैं, और ऐसे इसको रखेंगे गरम गरम है। ये हो गया डन, और अब हमारा एक तरफ कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, ये देखें ये इसकी ऊपर ठंडा हो जाने के बाद वो, ये देखें इतना गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और ऐसे करके हम ये सारा इस पर फैला देंगे, ये देखें जी इस पर डाल दिए कस्टर्ड गाढ़ी गाढ़ी सी। और अब मेरे पास कुछ पिस्ता कटे हुए हैं वो डाल रही हूँ इस पर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार है ये, और थोड़े से बादाम, दैट्स इट। और ये हमारी आज की मज़ेदार सी शाही टुकड़े की रेसिपी हो गई है रेडी, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, बनाकर एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।